गुड मॉर्निंग क्लास सेकेंड, हाउ यू ऑल, आर यू ऑल फाइन? ओके, सो दिस इज योर हिंदी पीरियड. टेक आउट योर हिंदी लिटरेचर बुक, भाषा पत्र. नाउ क्लास, ओपन योर बुक एंड कम टू पेज नंबर 7, चैप्टर खेत में खजाना. सो क्लास, ये पार्ट हम ऑलरेडी क्लास में पढ़ चुके हैं ना, तो आज हम इसका क्या करेंगे, रिवीजन करेंगे. क्या करेंगे आज हम इसका? रिवीजन करेंगे. ओके, तो मैं इस चैप्टर को क्या कर रही हूँ, रीड कर रही हूँ. आप लोगों को क्या करना है, ध्यान से सुनना है. ओके, खेत में खजाना. एक किसान के 3 पुत्र थे. वे बहुत आलसी थे. वे कभी काम नहीं करते थे, पर खर्च करने के लिए हमेशा किसान से पैसे मांगते रहते थे. किसान बहुत खिन्न रहता था. वह सोचता था कि इन्हें कैसे समझाऊं कि इन्हें भी परिश्रम करना है. एक दिन उसने पुत्रों को बुलाया और कहा, पुत्रों, अब मैं बूढ़ा होता जा रहा हूँ, इसलिए मैं तुम्हें एक गुप्त बात बताना चाहता हूँ. जब तीनों लड़के वह बात जानने के लिए उत्सुक हो गए, तो किसान ने कहा, मेरी बात ध्यान से सुनो. मैंने अपने खेत में खजाना छुपाया था, परंतु मैं वह स्थान भूल गया हूँ. तुम खेत को खोदो और धन निकाल लो. आलसी लड़के बहुत लोभी थे, इसलिए वे यह काम करने के लिए तत्काल तैयार हो गए. अगली सुबह वे जल्दी उठे और खेत में खुदाई करने लगे. संध्या होने तक उन्होंने पूरे खेत को खोद डाला, परंतु उन्हें खेत में कहीं खजाना नहीं मिला. तो संध्या के समय लौटकर वे अपने पिता से बोले, पिताजी, हम बहुत थक गए हैं. हमने सारा खेत खोद दिया, लेकिन खजाना नहीं मिला. किसान ने मुस्कुराते हुए कहा, कोई बात नहीं, खुदाई हो चुकी है, तुम लोग उसमें बीज क्यों नहीं बो देते? लड़के उसकी बात मान गए और खेत में बीज बो दी. कुछ सप्ताह बाद अच्छी वर्षा भी हो गई. जल्दी ही खेत में सुनहरी बालियां भी लहलहाने लगी. तब किसान ने कहा, मेरे बच्चों, तुम इस फसल को काटकर बाजार में बेचकर धन प्राप्त कर लो. लड़के फसल काटकर बाजार में बेच आए. इससे उन्हें 1000 रुपये मिले. रुपए लाकर उन्होंने अपने माता पिता को दे दिए. बूढ़े किसान ने रुपए देखे और कहा, मेरे प्यारे बच्चों, यही वह खजाना है जिसके विषय में मैंने तुमसे कहा था. यह खजाना खेत की मिट्टी में छिपा हुआ था. तुम्हारी कड़ी मेहनत से यह बाहर आया है. यदि तुम हर वर्ष इसी तरह परिश्रम करोगे, तो शीघ्र ही तुम्हें तुम्हारी जिंदगी का खजाना मिल जाएगा. आलसी बेटे अपने पिता की बात का अर्थ समझ गए थे. उस दिन से उन्होंने स्वयं मेहनत करके धन कमाना शुरू कर दिया. तो क्लास, ये था हमारा पार्ट खेत में खजाना. एक किसान के कितने पुत्र थे? 3 पुत्र थे. ओके, वे कैसे थे? सभी बहुत आलसी थे, हमेशा आलस करते रहते थे. वे कभी भी काम नहीं करते थे, पर अपने पापा से, यानी कि किसान से, हमेशा क्या करते थे, खर्चा करने के लिए पैसे हमेशा मांगते रहते थे. ओके, किसान बहुत क्या रहता था, खिन्न रहता था, दुखी रहता था. वह क्या सोचता था कि इन्हें कैसे समझाऊं कि इन्हें भी क्या करना चाहिए, परिश्रम, मेहनत करनी चाहिए. ओके, एक दिन उसने पुत्रों को बुलाया और कहा, पुत्रों, अब मैं बूढ़ा होता जा रहा हूँ, इसलिए मैं तुम्हें क्या बताना चाहता हूँ, एक गुप्त बात बताना चाहता हूँ. ऐसी बात जो किसी को भी ना पता हो, ऐसी बात मैं तुम्हें आज बताना चाहता हूँ. ओके, जब तीनों लड़के वह बात जानने के लिए उत्सुक हो गए, तो किसान ने कहा, जब तीनों लड़के वह बात जानने के लिए इच्छा करने लगे कि हाँ, हमें भी ये बात पता चले, तब किसान ने कहा, मेरी बात को ध्यान से सुनो. क्या कहा? मेरी बात को ध्यान से सुनो. मैंने अपने खेत में खजाना छुपाया था, परंतु मैं वह स्थान भूल गया हूँ. किसान ने क्या कहा? मैंने अपने खेत में क्या छुपाया था? खजाना छुपाया था, पर मैं अब वह स्थान भूल गया हूँ कि मैंने वह खजाना कहाँ छुपाया था. ठीक है,
तुम खेत को खोदो और धन निकाल लो। तुम क्या करो, खेत में खुदाई करो, पूरे खेत को खोदो और उसमें से क्या निकाल लो, पैसे निकाल लो। ओके। आलसी लड़के बहुत लोभी थे, इसलिए वे यह काम करने के लिए तत्काल ही तैयार हो गए। लोभी मतलब क्या होता है, लालची थे। आलसी लड़के कैसे थे, बहुत लालची थे, इसलिए वह ये काम करने के लिए एकदम अचानक से तैयार हो गए। ओके। अगली सुबह वे जल्दी उठे और खेत में खुदाई करने लगे। सुबह सुबह अगली सुबह वो क्या उठे, जल्दी से उठे और उन्होंने क्या किया, खेत में खुदाई कर दी। ठीक है, खुदाई करना स्टार्ट कर दिया। संध्या होने तक, शाम होने तक उन्होंने क्या करा, पूरे खेत को खोद डाला, परंतु उन्हें खेत में खजाना नहीं मिला। उन्होंने शाम होने तक पूरे खेत को खोद दिया पर उन्हें खजाना नहीं मिला। तो क्या हुआ, शाम के समय लौटकर वे अपने पिता से क्या बोले, पिताजी हम बहुत थक गए हैं। क्या बोला उन्होंने कि पापा हम बहुत थक गए हैं, हमने सारा खेत खोद दिया लेकिन खजाना हमें कहीं भी नहीं मिला। ठीक है, किसान थोड़ा सा मुस्कुराया और फिर उसने क्या कहा, कोई बात नहीं, खुदाई हो चुकी है तो तुम क्या करो, उसमें बीज ही बो दो, है ना। जब खुदाई कर ही लिया तो उसमें क्या बो दो, बीज ही बो दो। ठीक है, लड़के उसकी बात मान गए और खेत में बीज को बो दिया। लड़कों ने क्या करा, अपने पापा की बात मान ली और खेत में बीज बो दिए। कुछ सप्ताह बाद अच्छी वर्षा भी हो गई। कुछ हफ्तों के बाद क्या हो गई, अच्छी बारिश भी हो गई। ठीक है, जल्द ही खेत में सुनहरी बालियां भी लहलहाने लगी। ठीक है, तब किसान ने कहा, मेरे बच्चों तुम इस फसल को काटकर बाजार में बेचकर धन प्राप्त कर लो। किसान ने क्या कहा कि मेरे बच्चों अब फसल उग गई है तो फसल को काट के क्या कर सकते थे, बाजार में बेच सकते थे। तो किसान ने यही कहा कि तुम फसल को काट कर बाजार में बेच दो और बाजार में बेचकर उन्हें क्या मिल जाएगा, धन, पैसा। ठीक है, लड़के फसल काटकर बाजार में बेच आए, इससे उन्हें 1,000 रुपये मिले। जब लड़कों ने फसल काटकर बाजार में बेच दी तो उससे उन्हें कितने रुपए मिले, 1,000 रुपये मिले। ओके, रुपए लाकर उन्होंने किसे दे दिए, अपने पिता को दे दिए। बूढ़े किसान ने रुपए देखे और कहा, मेरे प्यारे बच्चों यही वह खजाना है जिसके विषय में मैंने तुमसे कहा था। बूढ़े किसान ने क्या करा, पैसों को देखा और क्या कहा कि मेरे प्यारे बच्चों यही वह खजाना है जिसके बारे में मैं तुम्हें बता रहा था। ओके, यह खजाना खेत की मिट्टी में छिपा हुआ था। खेत की मिट्टी में क्यों छिपा हुआ था, क्योंकि उन्होंने क्या करा, खेत के अंदर बीज बोए और जब बीज बोए तब क्या निकली उसमें से, फसल, और फसल को उन्होंने क्या करा, बाजार में बेचा, जिससे उन्हें क्या मिले, पैसे मिले। तो वो पैसा ही उनके लिए क्या था, खजाना था। ओके, तुम्हारी कड़ी मेहनत से यह बाहर आया है, यदि तुम हर वर्ष इसी तरह परिश्रम करोगे तो शीघ्र ही तुम्हें तुम्हारी जिंदगी का खजाना मिल जाएगा। किसान ने क्या समझाया कि अगर तुम हर साल इसी तरह मेहनत करते रहोगे तो जल्द ही तुम्हें तुम्हारी जिंदगी का क्या मिल जाएगा, खजाना मिल जाएगा। ओके, आलसी बेटे अपने पिता की बात का अर्थ समझ गए। जो आलसी बेटे थे उन्हें अपने पिता की बात का मतलब समझ में आ गया। उस दिन से उन्होंने क्या ठान लिया कि हम भी खुद से मेहनत करेंगे और पैसा कमाएंगे। ओके, तो आई होप आप लोगों को ये स्टोरी अच्छे से क्लियर होगी कि इसमें क्या बताया गया है। तो इस पार्ट को पढ़ के हमें क्या शिक्षा मिलती है, आपस में मिलकर एक साथ कठिन मेहनत से भी सफलता मिलती है। ओके, सो क्लास आपको क्या करना है, इस चैप्टर की अच्छे से रीडिंग करनी है घर पे, ऑल राइट, ताकि आपको और भी अच्छे से ये चैप्टर समझ में आ जाए। ओके क्लास, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, विल मीट इन नेक्स्ट क्लास, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।